तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज मैं शिनचैन फैन मूवीज के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिनचैन, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। क्या हुआ शिनचैन? शिनचैन के घर में उसकी कोई परवाह नहीं करता है। कोई भी इसकी परवाह नहीं करता? अच्छा, मम्मा पापा सिर्फ छोटी बेटी से ही प्यार करते हैं। घरों में ऐसी बातें आम होती हैं, पर ये बात आप नहीं समझ सकती हैं मैम। मगर क्यों? आज अपने मॉम डैड के पास जाना और उनके साथ वक्त बिताना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें भूले नहीं है कि काम बन जाए। क्यों है ना? क्या प्रिंसिपल सर ने आपकी सैलरी बढ़ा दी? क्या क्या कह रहे हो? तो फिर आप आज इतनी खुश क्यों हैं? मैं हमेशा से ही इस तरह से रहती हूँ। खत्म नहीं होता। ये आपका प्यारा शिनचैन आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम को बाय बोलो बेटा। घर जाके पेट खराब की दवाई ले लेना। अच्छा। सुना नहीं, मैंने कहा मैम को बाय बोलो। मैम आपको जो बताया याद रखना। ठीक है, बाय बोलो। बाय। मुझे अपने घर जाना है। मुझे जाओ, पहले अंदर जाओ और हाथ मुंह धो लो। नहीं, ये सारे काम मैंने कल ही कर लिए थे, दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं। कल लिए थे लेकिन आज भी करने हैं, जल्दी अंदर जाओ। उससे पहले आप मेरी ड्राइंग देख लीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। मेरी किसी को परवाह नहीं। मैं घर आ गया। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी मॉम अच्छी नहीं है और डैड वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या कहा? पता नहीं कहाँ चला गया ये इंचन। शिनचैन, शिरो, हिमावानी का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। सर को बहुत देर हो गई है, वो क्या कर रहे हैं? अगर हम इस ट्रेन से नहीं गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शिनचैन बेशक जॉब कर रहा है लेकिन है तो बच्चा ही ना। मेरे साथ आने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूस, कॉफी, नाश्ता क्या लेंगे? एक गिलास मलाईदार लस्सी है तो जल्दी मसाला मार कर दे दीजिए। जरा बात सुनिए। हाँ जी। हमें कुछ, मेरे लिए वेज फूड। मैं लूंगी नॉन वेज खाना। ठीक है जी, नॉन वेज होगी आपकी 100 रुपए की थाली और वेज होगी आपका 356। सर वेज खाना तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। कंपनी का पैसा बचाकर आप अपने पास रखेंगे? सर आप तो हमेशा मेरी फोन खो देते हैं। अरे ये तो महल है, महल है। सर प्लीज आराम से बैठ जाइए। मिस्टर कायोगुची, मेरे साथ रहकर तो आप ही समझदार हो गए हैं। अच्छा। देखिए सर, हम लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए हैं। ये है एक्शन फूड। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ की सेल्स मैनेजर बहुत ही स्ट्रिक्ट है लेकिन उन्होंने अब तक कोई कामयाबी नहीं पाई है। मतलब वो लोग हमेशा आपकी तरह हर काम में फेल होते हैं। आखिर आपका मतलब क्या है सर? आपको हिंदी नहीं आती क्या? क्या आपसे कोई नहीं जीत सकता है? पता नहीं क्यों कोई जीतना भी चाहता है। आप लोग आज यहाँ क्यों हैं? हम लोग आपके साथ अपने बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप हमें प्रोडक्ट बेच देंगी तो हमारा नुकसान बहुत कम हो जाएगा। जरा इसके बारे में भी सोच कर देखिए। सर मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह रिक्वेस्ट कीजिए इनसे। लेकिन मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे रिक्वेस्ट करना सूट नहीं करता ना। ठीक है मैडम, क्यों ना आप हमारे साथ चल के साथ में खाना खा लें। देखिए, डिनर की मदद से कामयाबी हासिल करना अच्छी बात नहीं है। अब तक बहुत सारी कंपनीज ने अप्लाई किया है और सभी कंपनीज यही सोचती हैं कि अगर वो मुझे पार्टी देंगी तो उन्हें सफलता मिल जाएगी। वो लोग ठीक सोचते हैं। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है। इंजेक्शन इंजेक्शन, हिमावारी इंजेक्शन लगने पर दर्द नहीं होती, इंजेक्शन लगने पर बहुत ज्यादा दर्द होती है। और तुम
बीमार होने का नाटक मत करो। ये फंस गया। ये शीरो की तरह बहुत ज्यादा दूध पीती है। अबे साले। नहीं नहीं, मेरी बहन को इस तरह से मत चेक कीजिए, वो बहुत डर जाएगी। अगर आपने ऐसा करा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। आप जानती नहीं, मेरी बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक हैं। बेटा वो सब बाद में देखेंगे, पहले मेरे साथ चलो। बिल्कुल मत डरो, इंजेक्शन के दर्द की वजह से तुम डरने लायक ही नहीं रहोगी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ। और तुम्हें कैसा लग रहा है बच्चे? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है, समझ रहे हो? चुप हो जाओ, गाना गा के मैं सुनाऊं। मत करो, छोड़ दो। देखा ना, ये चुप हो गई। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आपको ऐसे ही फनी मूवीज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।